हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में लेके हम बात करेंगे कि बिहार एसएससी के इंटर लेवल पर जो नई भर्ती आई हुई है, इस भर्ती के लेके एक नई नियमावली आई है, एक नई नोटिस आई है। उस नोटिस के बारे में बहुत से स्टूडेंट में कन्फ्यूजन बनी है कि क्या राजस्व कर्मचारी में टाइपिंग पोस्ट ऐड कर दिया, यानी कि राजस्व कर्मचारी में आप टाइपिंग होगी और क्या उसमें कंप्यूटर डिग्री की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इसी डाउट को इस वीडियो में क्लियर करेंगे, क्या राजस्व कर्मचारी में टाइपिंग देनी होगी। क्या सर मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, टाइपिंग का डॉक्यूमेंट उसमें नहीं दिए थे, तो क्या अब मेरी इसमें कुछ होगी या मैं उसके लिए छट जाऊंगा उस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सारी जो डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाएगी। क्या राजस्व कर्मचारी में सच में टाइपिंग पोस्ट आई है नहीं है, तो ए टू जेड जानकारी मिल जाएगा आपको, टाइपिंग पोस्ट नॉन टाइपिंग पोस्ट पूरी के लेके। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत जरूर देख ले, आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करें कि बिहार एसएससी की इंटर लेवल पर भर्ती 2023 में जो आई है, यानी कि अच्छा खासा पोस्ट पे भर्ती आई है। भर्ती की बात करें तो टोटल आपको 12,199 पोस्ट पर भर्ती आई है। दोस्तों सबसे पहले यह भर्ती 11,098 पोस्ट पर भर्ती आई थी, जो वैकेंसी एक्सपेंड करके यानी कि 1,101 वैकेंसी बढ़ाया गया, तो लगभग अभी वर्तमान में वैकेंसी 12,199 पोस्ट पर यह अभी भर्ती है। और दोस्तों अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि ये वैकेंसी लगभग 4 से 5 साल बढ़ने वाली, लगभग आपको हम पहले ही वीडियो बता चुके हैं कि ये वैकेंसी लगभग 15,000 प्लस जाने वाली है। तो दोस्तों आप लोग कन्फर्म रहिए, जो भी फॉर्म अप्लाई किया अच्छा है, जो नहीं किया अप्लाई कर दीजिए, ये वैकेंसी आपको 4-5 साल और इंक्रीज करने को मिलेगी। अगर इसमें मेल पोस्ट की बात करें तो मेल में टोटल 7,930 पोस्ट पर मेल की वैकेंसी है, और फीमेल में आपको 4,269 है, टोटल यानी कि 12,199 पोस्ट है। इसकी अप्लाई डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि 27 सितंबर से लेकर 11 नवंबर तक इसकी अप्लाई डेट है, तो अभी डेट कुछ बाकी है। तो जो भी कैंडिडेट इसकी जो भी रखते हैं फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ये मुद्दा जो आई है, क्या सबसे पहले टाइपिंग नॉन टाइपिंग पोस्ट की, कि राजस्व कर्मचारी में जो टाइपिंग पोस्ट है क्या टाइपिंग पोस्ट इसमें होगी, यानी कि जो टाइपिंग वाले पोस्ट है इसमें यह राजस्व कर्मचारी की अब गिनती किया जाएगा, यानी कि इसमें भी टाइपिंग होगी, इसमें भी कंप्यूटर डिग्री की जरूरत पड़ेगी। इसी लेके बात करें कि नया नियमावली जो दिया गया राजस्व कर्मचारी एवं भूमि सुधार की तरफ से नोटिस जो जारी किया, उस नोटिस के बारे में बता दें। तो दोस्तों इस वैकेंसी के लेके ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि आपको इसमें आपको टाइपिंग या कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अभी आप इसकी कोई जरूरत नहीं है, ना आपको टाइपिंग चाहिए ना इसमें कंप्यूटर चाहिए, जैसे थे पहले ये ऐसे है। लेकिन हाँ, इसमें बदलाव हुई है, अगर आप इस वैकेंसी में क्वालिफाई कर जाते हैं, इसमें जॉब कर लेते हैं, इसके बाद आपकी इंटरनल एग्ज़ाम होगी, यानी कि जब जॉब के पद पे होंगे तब आपके इंटरनल एग्ज़ाम, उस टाइम में आपको टाइपिंग कंप्यूटर साक्षरता देनी होगी इंटरनल प्रमोशन के लिए, उसके लिए उस टाइम आपको जरूरत होती है। तो तब तक इस वैकेंसी में अभी, यानी कि इस वैकेंसी में अभी वर्तमान में जरूरत नहीं है, जब आपकी जॉब लग जाएगी उस टाइम इसकी जरूरत पड़ेगी। तो उस टाइम तक लिए आपकी सारी जो उसकी डॉक्यूमेंट है रिक्वायरमेंट करके आराम से उस टाइम में इंटरनल एग्ज़ाम देकर आगे के लिए प्रमोशन आप कर सकते हैं, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अभी आपको हम बता दें कि राजस्व कर्मचारी में नहीं आपको कंप्यूटर की डिग्री चाहिए, नहीं आपको टाइपिंग चाहिए। तो दोस्तों ये अगर नहीं आपने अप्लाई किया है तो ठीक है, और सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको 3559 पोस्ट राजस्व कर्मचारी में, और बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जिसकी सपना ही होगी कि राजस्व कर्मचारी भूमि सुधार में हम जॉब करें, बहुत से कैंडिडेट की ये सपना ही रहती है। तो दोस्तों ना इसमें टाइपिंग होगी ना इसमें कंप्यूटर डिग्री जो है, जो पहले ही थी वैसे ही पहले ही है। हाँ, टाइपिंग या कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी कब, जब आप ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, जॉब पर रहेंगे तब आपको इंटरनल एग्जाम के लिए उस टाइम में जरूरत पड़ेगी, तो उस टाइम देखा जाएगा, अभी वर्तमान में नहीं है। तो अभी बस अपने आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इसके बाद सेकेंड पोस्ट है पंचायत सचिव, पंचायत सचिव जो 3532 पोस्ट है, जो सेकेंड सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। तो दोस्तों इसमें भी आपकी टाइपिंग की और कंप्यूटर डिग्री की नहीं जरूरत है, जैसे कि पहले वीडियो में आपको बताया, इस तरह भी इसी में है। और तीसरी एक है आपको पंचायत राज विभाग जिसे LDC के पद कर, जो आपको 504 पोस्ट पर भर्ती है, इसमें भी अब नॉन टाइपिंग पोस्ट है, यानी कि ना इसमें कंप्यूटर ना ही इसमें टाइपिंग की जरूरत है। चौथी पोस्ट है जो फाइलेरिया इंस्पेक्टर, यानी कि फाइलेरिया निरीक्षण के लिए, जो 69 पोस्ट पर भर्ती थी, इसमें भी वही हाल है, ना आपकी कंप्यूटर ना ही आपको इसमें टाइपिंग जो होते है। एक पोस्ट जो बढ़ा गया, इसमें एक बढ़ाया गया, ये कमिंस क्षेत्रीय अन्वेषक, इसमें टोटल आपको बात करें तो 534 पोस्ट बढ़ाया गया, जो कि आपको 1101 पद हम बोले थे जो बढ़ाया गया है लास्ट में, तो उसी पद में आपको 534 जो है इसके लिए बढ़ाया गया, बाकी जो है टाइपिंग पोस्ट के लिए। तो दोस्तों इस साइड जो मैंने लिखा है टोटल 8198, यानी कि टोटल 8198 पोस्ट ऐसे है जिसमें आपको
ना तो आपको टाइपिंग चाहिए ना ही आपको कंप्यूटर चाहिए, यानी कि दोनों डिग्री में से कोई भी नहीं है। आप अप्लाई किए हैं इंटर स्तरीय भर्ती है तो इंटर अप्लाई किए तो आपके लिए ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। टाइपिंग पोस्ट जिसमें नगर विकास और आवास विभाग के लिए LDC के जो 2039 पोस्ट है सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी का है, बाकी विभिन्न पद विभिन्न विभाग में टोटल 1962 पोस्ट पर भर्ती है। जो आपकी जो नोटिफिकेशन अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको इसके PDF मिल जाएगा, किस पोस्ट में टाइपिंग है किस पोस्ट पर टाइपिंग नहीं है, इसके लिए कि हम आपको उस नोटिफिकेशन में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी जो मेन पोस्ट है जिसके लिए मैं ज़्यादा वैकेंसी है तो जिसमें नल टाइपिंग और टाइपिंग है इसके लिए कि आपको हम बाद में ये बात बता दिए। अब हम इसमें बात करेंगे, सबसे पहले आपकी इसमें प्री एग्ज़ाम होगी, इसके बाद मेन्स एग्जाम, इसकी सिलेबस से लेकर वीडियो पहले ही बना चुके हैं, बाकी इस वीडियो में आपको प्री की सिलेबस बता देते हैं कि प्री की सिलेबस क्या रहने वाली है। जैसे मैथ से आपको 25 क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग से 50 है, साइंस से 25 है, GK और करंट मिलाकर आपको टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि ओवरऑल 150 क्वेश्चन, 600 मार्क और 2.25 घंटा की टाइमिंग, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क की होने वाली है और एक गलत होने पर आपका एक नंबर काट लिया जाएगा, यानी एक सही करते हैं तो आपको 4 मार्क दिया जाएगा, एक गलत करते हैं तो आपको एक नंबर काटा जाता है। तो दोस्तों ये इसकी सिलेबस होगी जो प्री एग्जाम के साथ मेंस एग्जाम के सिलेबस प्रॉपर सेम ही है, बाकी डिटेल्स के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से देख के आप सारी चीज़ समझ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में टाइपिंग के नियमावली के लिए बात थी, तो टाइपिंग के नियमावली वाली पोस्ट है वो सच में सही है, आपकी टाइपिंग और कंप्यूटर भी होगी, बशर्ते अभी नहीं आपकी जब जॉब हो जाएगी तो इंटरनल एग्जाम होती उस टाइम आपके लिया जाएगा, बाकी अभी इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं, आपकी नहीं है तो भी ठीक है, फॉर्म भर दिए तो भी, नहीं भरे तो फॉर्म भर दीजिएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो दोस्तों ये आपकी समझ गए। अब सबसे बड़ी मुद्दा बनती है कि सर एग्ज़ाम डेट कब तक होगी, तो इसका एग्ज़ाम डेट के लेके हम एक नया अपडेट आपको बता दें कि एग्ज़ाम डेट के लेके, क्योंकि ये बिहार सरकार के एग्ज़ाम है तो बिहार सरकार ऑलरेडी एग्ज़ाम ये आपके ऑफलाइन करवाती है। इससे पहले बता दें कि बिहार पुलिस के जो कांस्टेबल और भर्ती जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गई थी उसकी एग्ज़ाम डेट दिसंबर में फिक्स किया गया है, यानी कि दिसंबर मंथ में इसकी एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो दोस्तों इसकी एग्ज़ाम जैसे BRSS की एग्ज़ाम जैसे लग रही थी कि दिसंबर मंथ में हो जाएगी, लेकिन जिस हिसाब से अब बिहार पुलिस की एग्ज़ाम दिसंबर मंथ में ले रही है तो दिसंबर में उम्मीद कम है कि इसकी एग्ज़ाम होगी। इसकी एग्ज़ाम अब कब तक होने की संभावना इसके बारे में बात करें तो इसकी एग्ज़ाम आपको जनवरी मंथ या फरवरी मंथ में एग्ज़ाम 2024 में होगी, ये कन्फर्म है दोस्तों, ये आपकी कन्फर्म है, इसमें आपकी कोई संदेह नहीं होनी चाहिए, ये कन्फर्म है कि एग्ज़ाम आपको जनवरी या फरवरी, जनवरी आपको लास्ट वीक तक हो सकती है, यानी कि जनवरी आप लास्ट वीक तक इसकी एग्ज़ाम देख सकते हैं या तो फरवरी में फर्स्ट वीक से इसकी एग्ज़ाम आपको स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों मानिए आप जनवरी में आपकी एग्ज़ाम है, बस आपके पास नवंबर दिसंबर और जनवरी समझे 3 महीने की टाइम है, लगभग 90 दिन के आसपास में आपके पास टाइम है। तो दोस्तों आप प्रिपरेशन अति जोरों शोरों से आप कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो सेल्फ स्टडी अगर कर रहे हैं तो मेरा पिछले वाले जो वीडियो हम बनाए थे किस हिसाब से आपका स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस हिसाब से तैयारी करें, कौन से बुक से तैयारी करना चाहिए, उससे रिलेटेड वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो में देख के आप अपना तैयारी में जोरों तोरों से धार लगा सकते हैं। और दोस्तों इससे लेके प्रीवियस ईयर कटअप जो क्या होती है BRSS की उससे रिलेटेड वीडियो हम बना चुके हैं, वो भी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ से जाकर देख कर आप इसके प्रीवियस ईयर वीडियो देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर वैकेंसी इसकी कितनी थी और प्रीवियस ईयर में कितनी कटअप गई थी कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों उसमें आपकी सारी डाउट क्लियर, इस हिसाब से आप तैयारी में अच्छा खासा जो इंक्रीजिंग होता है वो आप बढ़ा सकते हैं। बाकी जो पंचायत सचिव है और राजस्व कर्मचारी इसके जॉब प्रोफाइल के लेके वीडियो बना चुके हैं, तो जॉब प्रोफाइल वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, यानी कि चारों पांचों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस वीडियो में आप देखना चाहते हैं वो देख लीजिएगा। बाकी जो आपकी डाउट थी जो नई नियमावली आई थी राजस्व कर्मचारी के लेके, तो दोस्तों वो नियमावली सही है, वो आई है, लेकिन अभी इस जो वर्तमान में है उसके लेके नहीं होगी, आपकी जो जॉब हो जाएगी इसी के लेके, तब आपको इंटरनल एग्जाम के लिए कंप्यूटर साक्षरता जो कंप्यूटर में होगी, जो आपके विंडोज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर साक्षरता के लेकर पूछा जाएगा, और टाइपिंग के लेकर कोई भी ऐसे टाइप से लिखा जाता है तो वो आपके इंटरनल एग्जाम होगी, तो वो आपकी जॉब होने के बाद होगी। तो दोस्तों अभी फिलहाल इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, और बाकी कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा, इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।